हेलो माय वाइटी फैम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ। मेरी सवारी चली है इस बार मेरे घर की ओर। C12 में मेरी सीट थी और पतिदेव ने गाड़ी ठीक कंपार्टमेंट के सामने रोकी थी, जिससे हमें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अगर आप लखनऊ से शताब्दी एक्सप्रेस से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट रहता है कि जहाँ गाड़ी पार्क होती है वहीं आपकी ट्रेन सामने खड़ी दिखाई देती है। ट्रेन सामने तैयार खड़ी थी और हमने जाते ही पहले अपनी सीट ढूंढी। शताब्दी एक्सप्रेस का सफ़र बहुत बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ट्रेन डिपार्चर में 10 मिनट्स का टाइम था तो मैं अपनी सीट कवर करके बैग रख के बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाहर का मुआयना किया, उसके बाद मैं जाके बैठ गई थी अपनी सीट पे। ट्रेन ने लखनऊ को और मैंने पतिदेव को बाय बाय किया। आज मैं बहुत खुश थी। मुझे ट्रैवलिंग स्पेशली ट्रेन से बहुत बेकार लगती है, बट शताब्दी एक्सप्रेस से फिर भी एक बार को चल जाता है। लेकिन इस बार जो मैंने ट्रेवल किया वो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरी बाँछें खिल रही थी। अब आप पूछेंगे भाई ऐसा भी क्या खास है इस ट्रेवलिंग में? बताऊंगी आगे। सफ़र काफ़ी लंबा है दोस्तों और इस सफ़र में आज हम करेंगे खूब सारी बातें। सबसे पहले मैंने अपनी बुक निकाली और मैं पढ़ने बैठ गई थी। जी हाँ, मुझे जाना था एग्ज़ाम देने। काफ़ी देर से मुझे इंतज़ार था अपने स्नैक्स का, जो कि आ चुका था। लेट्स सी हमें क्या क्या स्नैक्स मिले हैं। मैंने शताब्दी से हमेशा 2 to 3 आवर का ट्रैवल किया है तो हमेशा मुझे इसमें स्नैक्स मिले हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें लंच और डिनर का क्या अरेंजमेंट रहता है। तो मुझे मिली हुई थी ये चिवड़ा वाली नमकीन और मिला हुआ था ये ब्रेड सैंडविच, एंड इसके साथ मिली थी पिस्ता सोन पापड़ी। चाय बनाने का सामान तो रहता ही है। इसमें मुझे मिला था टी बैग और ये नोवा का मिल्क पाउडर, एक कप वार्म वाटर वो लोग बाद में देते हैं क्योंकि सारे स्नैक्स ख़त्म करने के बाद ही लोग चाय पीते हैं। और इसके साथ नीचे था ये मेन्यू कार्ड, जिसको देखने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी और मैंने नहीं देखा। साथ में था ये गर्मा गर्म समोसा। सबसे पहले मैंने अटैक किया सैंडविच पे। टेस्ट के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि खाना खाने के बाद उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं। सैंडविच ख़त्म करने के बाद मैंने सेकंड टारगेट लिया अपना समोसा। मुझे समोसे पसंद हैं और ये ट्रेन का समोसा था तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है। यहाँ मेरे साथ एक लोचा ये हुआ कि जब वो सामान देने आए थे तो टी बैग मिल्क पाउडर दोनों थे, बट जब मैं चाय बनाने चली तो मेरा टी बैग खो गया। तो मैंने आधे घंटे वक्त अपने इंट्रोवर्ट के कीड़े को मारा और उन लोगों को बोला कि भैया मेरा टी बैग नहीं है। तब वो दोबारा बहुत ही काइंडली मुझे चाय का पूरा सामान सर्व करने आए बिना कोई नानुगुर किया। इट वॉज वेरी काइंड जेस्चर एंड आई अप्रिशिएटेड दैट। खाते पीते पढ़ते और फिर आधे घंटे बाद जब ये चाय का सामान आया तो मैंने आराम से चाय पी, थोड़ी देर पढ़ाई से ब्रेक लिया। ट्रेन की चाय कैसी होती है आप सबको पता है, बट ठीक है यार, मज़ा तो बहुत आ रहा था। फिर रेलवे की तरफ से हमें हैप्पी जर्नी विश किया गया और मैंने उसको बहुत काइंडली एक्सेप्ट भी किया। अब तक हमारी ट्रेन पहुंच गई थी कानपुर जंक्शन। 1.5 घंटा लगता है लखनऊ से कानपुर पहुंचने में और यहाँ ट्रेन लगभग 4 या 5 मिनट रुकती भी है। आप सब जानते होंगे शताब्दी के बहुत लिमिटेड स्टॉपेज होते हैं। इसके बाद शायद दिव्यापुर, फिर उसके बाद इटावा डायरेक्ट स्टॉपेज था। और अब मैं बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही थी इतना खुश हो के। तो देखिए, मेरी शादी को हो चुके हैं 2 साल और इन 2 सालों से मैं अब तक एकदम ब्राइड की तरह, मेरी विदाई होती थी, हस्बैंड लेने जाते हैं और घर से डैडी लेने आते हैं, और ये दुल्हन वाली ट्रेवलिंग से मैं हो चुकी थी भयंकर वाली बोर। 2 साल से मैं शताब्दी के सफ़र को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन कोई ऐसा प्लान नहीं बनता था कि मुझे ट्रेन से जाना पड़े, स्पेशली अकेले जाना पड़े। और इसकी भनक लग गई थी यूपी आयोग वालों को, तो उन्होंने मेरा सेंटर डाल दिया था इटावा। आरओ का एग्ज़ाम हुआ था और मुझे नहीं पता ये अब तक राज की बात है कि मेरा सेंटर इटावा कैसे पहुँच गया, जबकि मेरा एड्रेस लखनऊ का था। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैंने भी इसे एक्सेप्ट किया और मैं निकल पड़ी थी अपनी सवारी लेकर। चूँकि मुझे 1-2 दिन के लिए एग्ज़ाम के लिए जाना था तो मैंने घर पर साफ बोल दिया था कि ना मुझे कोई लेने आएगा गाड़ी से, ना मुझे कोई गाड़ी से छोड़ने जाएगा, मैं अकेली जाऊंगी और अकेली वापस आ जाऊंगी। क्योंकि दुनिया में सबके पास काम है और मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो कोई मुझे लेने आए और छोड़ने जाए। तो मैंने अपना ये सफ़र अकेले तय किया था। वाह, मज़ा आया। 3:30 बजे ट्रेन लखनऊ से चली थी और 6:30 बजे इटावा पहुँचना था। शादी के बाद मेरी पहली अकेली ट्रेन यात्रा से मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं 15 मिनट पहले ही अपनी सीट छोड़ के गेट पर खड़ी हो गई थी आगे कहीं मेरा प्लेटफॉर्म छूट ना जाए। और जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे थी घर पहुंचने की, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे डैडी को थी। वो 1 घंटे पहले से स्टेशन पे आके बैठ गई थी मेरे इंतज़ार में और हर आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आ जाता था कि अब कहाँ पहुँची, कितना टाइम है, अब कहाँ पहुँची। एंड यू नो गर्ल्स,
ओनली फादर एंड ए डॉटर कैन रिलेट विद दिस हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, मैं बैग लेके नीचे उतरी और गिरने वाली थी कि तब तक डैडी ने मेरा बैग पकड़ा और मुझे हवा में उठा लिया। मैंने ऊपर देखा तो कहा, आए डैडी आप? वो ठीक मेरे कंपार्टमेंट के सामने ही खड़े थे। उन्होंने मुझे घूरा और बोला, अच्छा ऐसे उतरोगे ट्रेन से? मेरे चेहरे की स्माइल आपको बता सकती है मेरे मायके जाने की खुशी। शादीशुदा लड़कियां समझ सकती हैं कि शादी के बाद मायके की हर गली नुक्कड़ मार्केट से कितना लगाव हो जाता है। और मैं तो पूरे 2 साल बाद इस स्टेशन को देख रही थी। बाप रे, मुझे इस पे भी प्यार आने लगा था जिससे पहले मुझे चिढ़ मचती थी। अगर कहीं मुझे ट्रेन से जाना होता था तो मैं पहले ही थक जाती थी। आज मैं पूरे 2 साल बाद इस जगह को देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा चेंज हो गया था, थोड़ी लाइटनिंग ज़्यादा हो गई थी, सफाई थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे आने की खुशी इन बंदरों को भी होगी जो मेरे आने से पहले ही मेरे वेलकम में स्टेशन पर बैठे हुए थे। डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पैरों में दिक्कत थी, वो नहीं चल पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए 1 घंटे पहले से स्टेशन पे आके बैठ गए थे। और मम्मी की बुराइयां करते करते डैडी मुझे ले आए थे स्टेशन के बाहर तक, और ये है इटावा का रेलवे स्टेशन। तो लड़कियों, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक इन्जॉय कर लो अपनी सिंगल लाइफ, अपनी फैमिली के साथ, मॉम डैड के साथ, अपने शहर के साथ, अपने गाँव के गली मोहल्लों के साथ। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी जगह, तुम्हारा घर छूटेगा ना, उसके बाद तुम्हें इसकी कीमत वाकई पता चलेगी। अभी तुम्हें इसमें 1000 कमियां नजर आती होंगी और एक दिन तुम इसकी मिट्टी की खुशबू के लिए भी तरस जाओगी। खैर, ये था मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप फ्रॉम लखनऊ टू इटावा। कैसा लगा आपको ये व्लॉग? फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।